मध्य प्रदेश में महिला उत्पीड़न की शिकायतें बढ़ गई हैं। भोपाल से भी महिला उत्पीड़न का एक और मामला सामने आया है, जहां एक महिला को उसके पति ने बेरहमी से मारा। बीते 12 वर्षों से यह महिला प्रताड़ना की शिकार है। जेन नामक महिला भोपाल के थाना शहजानाबाद इलाके की निवासी है, जिसका इनाम नामक युवक से 12 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था। विवाह के बाद से ही उसका पति लगातार महिला का शारीरिक शोषण करता रहा। महिला के साथ अनेकों बार मारपीट की, जिसमें कई बार महिला गंभीर रूप से भी घायल हो गई। हालांकि 2016 में भी महिला की शिकायत को दर्ज किया गया था, लेकिन महिला के पति का बर्ताव नहीं सुधरा। अब जेन ने पुनः शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस का कहना है आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। 12 साल हो गए मेरी शादी को। शादी के बाद से ही किसी लड़कियों से उनका अफेयर चल रहा है, 4 बच्चों की माँ से, और उसके बाद उनके मुझ पर जुल्म जाती हैं करते हैं, मारपीट करते रहते हैं आए दिन, और कहते हैं घर जाके पैसे लेकर आओ। और अभी 1 साल पहले इस बच्चे को मारकर भागे हुए हैं, और जब अपन उनसे कहते हैं कि ख़त्म करो सारी चीज़ें, हम साथ रहने को राजी हैं, तो आए दिन मारपीट करते हैं, जहेज की मांग करते रहते हैं मुस्तकिल। और अभी कुछ दिन पहले मुझे जान से मारना चाहा उन्होंने, मेरे बच्चे को मारकर उनको सुकून नहीं मिला, अब मुझे मारना चाह रहे हैं वो और उनके घर वाले। मेरी दोनों नंदे राशिदा और अफरोज़, उनके भाई हनीफ और नफीस, आए दिन मुझे परेशान करते हैं, मारपीट करवाते हैं और करते हैं मेरे घर में, मुझे सुकून से नहीं रहने दे रहे हैं। थाना शाहजहानाबाद में पीड़िता के द्वारा ऐसी शिकायत की गई है। पूर्व में भी संज्ञान में आया हुआ था कि 2016 में भी पीड़िता के द्वारा अपने पति एवं उनके परिजनों के द्वारा मारपीट करना, गाली गलौज करना और दहेज की प्रताड़ना का आरोप लगाया गया था, जिसमें प्राथमिकी दर्ज की गई थी। फिर कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी जिस पर से उस पर खात्मा लगा हुआ था। आला अधिकारियों के द्वारा, पीड़िता के द्वारा आवेदन भी दिया गया था इस संबंध में कि मेरे साथ ऐसा कोई कृत्य नहीं हुआ है। पुनः अभी 24 तारीख की दरमियानी रात में पीड़िता के द्वारा शिकायती आवेदन दिया गया, जिसमें प्राथमिकी दर्ज की गई है, और उसमें भी मारपीट, गाली गलौज और दहेज उत्पीड़न का मामला पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।